नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे ने फिलहाल सभी सामान्य यात्री ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लागू होने के बाद से 22 मार्च से रद्द हैं। बाद में रेलवे ने दिल्ली को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने वाली 15 विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 12 मई से और लंबी दूरी की 100 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू किया था। 12 सितंबर से रेलवे 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चला रहा है। रेलवे ने राज्य सरकारों की ज़रूरतों और महामारी के हालात को देखते हुए यात्री सुविधाओं की रोज समीक्षा करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO VK यादव ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि हमने जोन के महाप्रबंधकों के साथ बैठक कर निर्देश दिया है कि वो स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करें। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसी आधार पर फैसला होगा कि त्योहारों के सीजन में कितनी विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। फिलहाल हमारा अनुमान है कि करीब 200 ट्रेनें चलेंगी, लेकिन ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जहां तक यात्री ट्रेनों की बात है, हम ट्रेनों की ज़रूरत, रेल ट्रैफिक और कोविड-19 के हालात की रोज़ समीक्षा करेंगे। जहां भी ज़रूरत होगी हम ट्रेन चलाएंगे। भारतीय रेलवे के इस फैसले से त्योहारों के मौसम में यात्रियों को खासी राहत मिलती दिख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।